मैं शिक्षक यस थैंक यू निकुंज निकुंज अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम निकुंज खलवानी है। मैं ऐसे तो राजस्थान में बॉर्न हुआ हूँ पर रहता कोलकाता में हूँ बड़ा बजा। और मैंने क्लास 10 पास की थी 2018 में फ्रॉम सी मैसूर विद्यालय एंड 2022 में सर मैंने 12 पास की थी फ्रॉम मैसूर विद्यालय एंड अभी मैं बीकॉम परसुइंग कर रहा हूँ फ्रॉम सुनिंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स कर यस सर। ओके तो 12th में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था आपका? सर अकाउंट्स में। अकाउंट्स में ओके कितना मार्क्स आया था आपका? 85। ग्रेट। तो निकुंज आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए। सर स्ट्रेंथ मेरा मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अच्छा आप हार्ड वर्किंग। यस सर। एंड वीकनेस है सर जो मैं टच में जिस काम में नहीं रहता हूँ थोड़े समय तक तो वो मैं भूल जाता हूँ। ओके और आपका इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्या है? सर मुझे क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है। अच्छा क्रिकेट खेलना आपको ज़्यादा पसंद है। ओके तो कभी आपने कोई स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक कुछ? वो फैमिली बैकग्राउंड के कारण वो पॉसिबल हुआ नहीं। अच्छा क्योंकि आपने बताया ना आप हार्ड वर्किंग है मुझे लगा कि आप ना मैंने ट्राई किया था पर फैमिली सपोर्ट नहीं हुआ सर। ओके नो इश्यूज। अच्छा तो आप मुझे बता सकते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर अकाउंट्स। अकाउंट्स है आपको वो अच्छा क्यों लगता है? सर उसमें मुझे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है इसीलिए। ओके तो बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप बिजनेस में रुचि रखते हो कि जॉब में? आपको मतलब क्या आपका अभी ग्रोथ क्या है मतलब कि करियर प्लान क्या आपको बिजनेस में जाने की जॉब में? मुझे बिजनेस अभी ओपन नहीं करना है मिनिमम 10 to 15 years बाद। 10 to 15 years के बाद। ओके फैमिली में आपका कोई बिजनेस करता है कि आपके पापा भी जॉब करते हैं? सर पापा ही जॉब करते हैं। पापा भी जॉब करते हैं। ओके आपके फैमिली में कौन कौन है? सर बड़े पापा है मम्मी है फुल जॉइंट फैमिली है सर। जॉइंट फैमिली। ओके तो निकुंज ये तो आपके बारे में जानना हो गया। अब चलिए हम जानते हैं कि आपका स्किल्स क्या क्या है। तो आपको क्या क्या आता है सिंस आपको पता ही होगा हम लोग यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट का वैकेंसी है तो आपने स्किल्स तो प्रिपेयर किया होगा। यस सर। तो आप बताइए आपको क्या क्या आता है? सर मुझे टैली आता है एसएल आता है जीएसटी टीडीएस ये सब आता है। तो ये आपने कहीं से सीखा है कि आपने आप जो नॉलेज एक्वायर हुआ वैसे ना? सर मैंने सीखा है। कहाँ से सीखा आपने? स्किल शॉट। स्किल शॉट से। तो कितना मंथ से आपने ट्रेनिंग ली है? 2.5 months। 2.5 months में हो गया आपका? यस सर। तो क्या आपको लगता है आप जॉब रेडी हो? यस सर मैं रेडी। ओके तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन से टेस्ट करता हूँ कि आपको आपने कितना अच्छा सीखा है। ओके सर। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा जनरल एंट्री से। तो क्या आपको जनरल एंट्री आती है अकाउंट्स में? ओके तो मैं बेसिक जनरल एंट्री शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप बताइए बैड डेट का एंट्री क्या होता है और बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट मतलब लॉस। ओके बैड डेट का एंट्री होता है बैड डेट टू डेटर्स। बैड डेट मतलब लॉस बोलने से क्या मुझे समझ में आएगी कि क्या है क्या चीज का लॉस है वो? लॉस का इन द सेंस ये है जिससे मुझे पैसे मिलने थे अब वो मिलेंगे नहीं। अच्छा तो ये मेरे टाइप का लॉस हो गया ना सर। ओके गुड आप मुझे बताइए परचेज रिटर्न का जनरल एंट्री क्या होता है? सर क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके आप मुझे बताइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जनरल एंट्री क्या होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके वन मोर क्वेश्चन उसके बाद फिर अपने टैक्स मूव करेंगे। आप मुझे बताइए सपोज मैं आपको फॉर्म में हायर कर लेता हूँ तो आपको मैं हायर करूंगा तो मुझे आपको एक लैपटॉप भी देना पड़ेगा। yes, तो मैं आपके लिए लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ एक एक्स वाई जेड कंपनी से जो कंप्यूटर सेल करती है। ठीक है तो उसका प्राइस है 20,000 rupees और प्लस उसमें जीएसटी 18% लगेगा। वो कंपनी चांदनी चौक में या पास में ही है अपने? ठीक है ऑफिस के yes, पास में ही है तो वहां से मैं परचेज कर रहा हूँ तो उसकी एंट्री आप क्या पास करोगे बुक्स में? लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ओके वेरी गुड आप मुझे बताइए कि आप टैक्सेशन में आपको जीएसटी का नॉलेज है? यस सर। ओके मैं जीएसटी में पूछ रहा हूँ कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है ये टर्म आपने सुना होगा? यस सर। ओके बताइए इंटर स्टेट मतलब सर जैसे मैं वेस्ट बंगाल के अंदर रहता हूँ जैसे मैं दिल्ली में अगर सेल होकर तो वो इंटर स्टेट हो गया। ओके और विथ इन वेस्ट बंगाल है वो इंटर स्टेट। ओके गुड आप मुझे बताइए जीएसटी में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B वो क्या होता है? जीएसटीआर 1 में अपने सेल डिटेल्स जाती है और 3B में परचेस एंड सेल की कंबाइंड डिटेल्स जाती है। ओके उसका ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग करने का? जीएसटीआर 1 इज सर 11th ऑफ नेक्स्ट वीक। ओके नेक्स्ट मंथ या वीक ना सर मंथ। ओके नेक्स्ट मंथ एंड 3B इज 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके ठीक है ग्रेट आप मुझे बताइए ब्लॉक क्रेडिट के बारे में आपने सुना है कभी? यस सर। क्या होता है ब्लॉक क्रेडिट? जिस तरह से अपने इनपुट नहीं ले पाते हैं। अच्छा जिसका इनपुट अपने नहीं ले पाते हैं फॉर एग्जांपल कार हुए सर।
ओके आपने आरसीएम के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है आरसीएम? रिसिपिएंट पे करता है सर। ओके ये अपने ट्रांसपोर्ट में लगता है, डायरेक्टर फीस में लगता है। ओके अच्छा आप मुझे ये बताइए जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है? इसकी से नॉलेज नहीं है। इनकम टैक्स आपको नॉलेज नहीं है? ओके अच्छा आप मुझे बताइए टीडीएस आपको क्या नॉलेज है? यस सर नॉलेज। टीडीएस कंप्लीट हो गया ना आपका? टीडीएस तो इनकम टैक्स के पार्ट है। टीडीएस क्या होता है और टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? सर टीडीएस टैक्स डिडक्टेड रिसोर्स। और डिडक्ट कौन करता है? सर जैसे आप मैं तो बिल जो रेस कर रहा है वो जो बिल रेस कर रहा है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ओके तो आप मुझे बताइए उसमें काफी सेक्शंस है लेकिन मैं कुछ सेक्शंस के बारे में पूछूंगा आपसे। सेक्शन 194 जे क्या होता है? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा तो उसमें कितना परसेंटेज पे कितना परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट होता है, कितना उसका लिमिट है? 10% 30,000 पर एनम अबव। ओके अगर उसके नीचे होगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके सेक्शन 194 सी क्या होता है? सर 194 कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज का क्या तो उसमें कितना परसेंटेज है रेट और कितना आपका लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट? सर 30,000 से अबव गया पर बिल एंड 1,00,000 के ऊपर गया पर एनम। अच्छा ये है सर 1% इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एंड 2% अदर्स के लिए। ओके मैं आपसे एक लास्ट जनरल एंट्री के बारे में पूछूंगा। ओके सर ठीक है कि सपोज आपको मैंने हायर कर लिया और ये ऑफिस जो आप जहाँ बैठे हो वो 60,000 rupees का रेंट है वहाँ पे, ठीक है तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, उसमें क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, उसको आपको सब ध्यान रख के ही आपको एंट्री पास करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा या मैं आपके लिए वापस रिपीट करूँ? ना सर समझ आ गया। ओके तो बताइए सर रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी जिसने रेंट दिया है एंड उसके साथ इसमें टीडीएस कटेगी। कौन से सेक्शन में? 194 I सर 194 I। ओके वेरी गुड कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा उसमें? सर 10% 10% तो आप एंट्री बता रहे थे क्या होगा एंट्री उसका? फिर इसका होगा सर ये पार्टी अकाउंट डेबिट ओके टू टीडीएस पेबल। पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल ऐसा क्यों एंट्री? सर टीडीएस वो अपनी लायबिलिटी है उन्हें पे करना है और जिसको काट रहा है सर उसको तो डेबिट किया है तो वो अपना क्रेडिटर था जिसके थ्रू काट रहा है। ओके वेरी गुड ठीक है निकुंज आप एक्सेल आपको आता है? सर बेसिक्स आती है। बेसिक्स आता है मैं कुछ शॉर्टकट की पूछूं एक्सेल का? यस सर। ओके कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल प्लस वी से? पेस्ट। ओके वी लुकअप एच लुकअप में डिफरेंस क्या है? बेसिस ये आपको नॉलेज नहीं है। फॉर्मूला आता है मुझे नॉर्मल बेसिस से जो लगता है नॉर्मल वो नॉलेज है। वही नॉलेज है। यस सर आपको टैली का पूरा एक्सपोजर है? यस सर। ठीक है इतना तो मैं आपसे थ्योरी पूछ लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल में मैं कर रहा हूँ अभी, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है। ठीक है तो आप मुझे बताइए टैली में कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए। हाँ कंट्रोल और ए को अगर साथ में प्रेस करते हैं तो क्या एंट्री मतलब उसे क्या होता है? सर जो आपने एंट्री किया है उसमें क्या टेस्ट कटा है मतलब कितना रेट में उसके डिटेल्स चले कंट्रोल प्लस ए से? हाँ कंट्रोल ए से नो सर सॉरी कंट्रोल ए से सेव होता है सर। ओके और ऑल्ट प्लस सी से क्या होता है? ऑल्ट सी से सर कोई भी क्रिएट होता है क्रिएट होता है कुछ भी रहिए। ओके कंट्रोल और एंटर को एक साथ अगर प्रेस करते हैं तो क्या होगा? उसी सर डिटेल्स देते हैं। अच्छा ओके आप मुझे बताइए डेट चेंज करने का शॉर्टकट की क्या है? F2 सर F2 और पीरियड चेंज करने का शॉर्टकट क्या है? Alt F2 Alt F2। अच्छा मुझे ये बताइए पीरियड चेंज करने का मुझे जरूरत क्यों पड़ेगा? पीरियड चेंज करने का सर सर पढ़ सकते तो आपकी मतलब हो सकता है अपने प्रीवियस मंथ तक कुछ देखना चाहे देन वो तो पीरियड चेंज करने के बाद ही होगा ना। अच्छा उससे पहले तो मुझे बैक का कुछ भी शो नहीं होगा। ओके आप मुझे बताइए परचेज रजिस्टर कैसे चेक किया जाता है? सर DAP। ओके डी से क्या होता है? डिस्प्ले। ए से? बुक एंड परचेज। ओके वेरी गुड आप मुझे ये बताइए स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी में नॉलेज है स्टॉक क्वेरी क्या होता है? यस सर क्या होता है स्टॉक क्वेरी? स्टॉक रिलेटेड कुछ भी मतलब कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है कितना बेचा। उसका शॉर्टकट की क्या है? इसका है सर Alt S
वेरी गुड, ठीक है। आपने टैली में क्या क्या सीखा है इंस्टीट्यूट में, जो आपको सिखाया गया है टैली में, आपने क्या क्या कवर किया पूरा मुझे बता सकते हो? क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस तीनों की आपने क्लासेस की है कि मतलब सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके? मैंने क्लासेस तो तीनों की थी है, पर जो प्रैक्टिस में इन टच में ये मैन्युफैक्चर एंड उसमें नहीं हूँ, देन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ओके। मैन्युफैक्चरिंग एंट्री शोर्ट करने में थोड़ा आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, अच्छा, अब सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी आप जो एंट्री की हो सेल का, सपोज उसका आपको मेल करना है टैली से, इनवॉइस मेल करना है, तो आप कैसे मेल करोगे? मैं ऑल डी से ऐसे पहले पीडीएफ से एक्सपोर्ट करूंगा, उसके बाद जो पार्टी को मेल करना है क्रोम के थ्रू मेल कर दूंगा, जीमेल कर दूंगा। ओके, जीमेल कर दोगे? ओके, अगर वो जीमेल में अवेलेबल नहीं है देन मैं व्हाट्सएप नंबर से होता है तो उससे भी कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, तो मुझे तो आपका इंटरव्यू लेके मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगता है कि आप शायद काम कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा एक्सपोजर का जरूरत पड़ेगा। आप सीख के आए हो, बढ़िया है, लेकिन मुझे भी देखना पड़ेगा कि मैं आपको रिटेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो निकुंज, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन सर मार्केट बेस्ड जो आप दे सकते हो, मार्केट एनालिसिस। तो मैं आपको ट्रायल पर रखना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप क्या 8.5 में आप रहना चाहोगे। अगर मैं आपको 8.5 की ऑफर करूँ तो आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ पे। नो सर, एक्चुअली मैं 9.5 एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं रीजन जान सकता हूँ 9.5 के का? सर मुझे अपने भरोसा मैं ये कर सकता हूँ इसीलिए। तो आपको 9.5 के ही क्यों चाहिए इतना? सर मुझे पूरा डिटेल मैं घर से आने का ट्रेवलिंग और सब अरेंज मतलब देखने के बाद मैं ये बोला। ओके, तो अगर मुझे आपका वर्क अच्छा नहीं लगा और आप मुझे हार्ड वर्किंग नहीं लगे जैसे आपने मुझे बताया है, तो मैं आपको निकाल सकता हूँ? यस सर। तो आप पे डिपेंड 100% आप निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है निकुंज, तो फिर आप मंडे से ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइमिंग और ऑफर लेटर आपको सब कुछ डिटेल्स आपके मेल पे आ जाएगी। ओके सर, इट वाज नाइस इंटरव्यूइंग यू निकुंज। थैंक यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सर।